राज जी आपके हृदय मंदिर में विराजमान होंगे, तो आपको अपनी आत्मा के धाम हृदय में राज जी भी दिखेंगे, आपको अपनी परात्मा भी दिखेगी और आपको अपनी आत्मा भी दिखेगी। सब में एक ऐसा संबंध रहेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि आगे पीछे कौन हो रहा है। इसलिए राज जी की कृपा की छत्र छाया में ही कोई उनको जान सकता है, अपनी सामर्थ्य से कोई नहीं जान सकता। आपको पुरुषार्थ करना है, आपको तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलेगा उनकी कृपा से, उनके कृपा से आप ध्यान करेंगे, उनके प्रेम के पात्र बनेंगे तो उनकी कृपा बरसेगी, तब आप राज्य को जानेंगे और अपने को जानेंगे। आप स्वयं अपने बल से यदि राज्य से दूरी बनाकर, उनकी वाणी से दूरी बनाकर, राज्य की कृपा की से दूरी बनाकर आप अपनी सामर्थ्य से स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे तो कोई भी नहीं जान सकता। सृष्टि को बनाने वाला नारायण जब स्वयं को नहीं जान सका तो आप कैसे जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ? नारायण को जब पता चलेगा कि मैं, मेरा मूल घर निराकार से परे अभ्याकृत के महाकारण सबलिक की स्थूल में, उसी क्षण तो प्रलय हो जाएगा। हर कोई भूला हुआ है इस संसार में, तभी तो इसको कहते हैं कि ये भूलवाणी का संसार है। हाँ बोलिए, कुछ करना है? इसलिए प्रवाहियों में जागने की तैयारी के लिए बुद्ध मंजरी तमस के पार हमारी रहनी, हमारी रहनी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। आप का सामाजिक व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए? अथर्ववेद में एक मंत्र है, मधुमत में निष्क्रमणम, मधुमत में परायणम, वाचा वदाम में मधुमत, भूयांसम में मधुसदृश। मधुमत में निष्क्रमणम, हम कहीं जाएं तो हमारा अलग होना मधु के समान मीठा हो। मधुमत में परायणम, हम कहीं जाएं तो हमको देखकर लोग खुश हों। वाचा वदामि मधुमत, मैं मधु के समान मीठी वाणी बोलूं और मेरा हृदय भी मधु के समान मीठा हो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है? आप मधु के समान मधुर बन जाइए, किसी के लिए क्रूरता नहीं, किसी के लिए घृणा नहीं, सबके कल्याण की भावना रखिए। प्रत्येक धर्म प्रचारक को ऐसा होना अनिवार्य है। ये हमारी रहनी किताब में सामाजिक रहनी, आत्मिक रहनी, धार्मिक रहनी सब पर प्रकाश डाला गया है कि हमारी आत्मा को क्या करना है, समाज में हमें कैसे रहना है, धर्मानुकूल हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यदि आप हमारी रहनी के ग्रंथ को हमेशा पढ़ते रहेंगे तो आपको मार्गदर्शन होता रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक पथ समाज धर्म प्रचारक समाज का पथ प्रदर्शक होता है। यदि उससे कोई भूल होती है तो पूरा समाज भटक जाएगा। ये उत्तरदायित्व है प्रत्येक धर्म प्रचारक का कि उसके आचरण पर संसार कभी उंगली न उठाए, क्योंकि यदि उसके आचरण पर उंगली उठती है तो सब लोग कहाँ जाएंगे? कुएं के पास पानी के लिए ज्यादा जाता है, कुएं में पानी नहीं रहेगा तो कोई उसके पास क्यों जाएगा? समाज आपके पास शिक्षा के लिए आता है और आप ही शिक्षा के विपरीत आचरण करेंगे तो समाज का पतन तो निश्चित है। प्रवाही लोगों के बीच में मूर्त पूजा एवं वाणी का भेद समझाना किस आधार पर? वाणी जागृत चेतन और सत्य है, क्योंकि बार बार यह प्रश्न खड़ा होता है। वाणी देखिए, चेतन का लक्षण क्या होता है? प्राण अपान निमेश सुमेश जीवन मन गति इंद्रिय अंतर विकारा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आत्मनिर्लिंगान, जिसमें सुख हो, दुख हो, इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयास करे, उसको चेतन कहते हैं। आप दीवाल से पूछिए, दीवाल मेरे से बात करो, दीवाल बात करेगी? वाणी पूज्य है। जैसे एक डाकू होता है, डाकू जब घर में डाका डालता है तो आप उसको गोली मार देते हैं, डंडे से मारते हैं। एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन ध्वज को आप जमीन पर गिराकर डंडे से मारेंगे तो जानते हैं उसका क्या दंड है? बहुत कठोर दंड है, पुलिस आपको गोली मार सकती है। तो मनुष्य से ज़्यादा कीमती एक ध्वज बन जाता है,
उसी तरह से वाणी चेतन नहीं है, चेतन दो ही पदार्थ है, जीव चेतन है, आत्मा चेतन है या राज्य चेतन है। वाणी पूज्य है, अक्षरातीत की कही हुई ज्ञान धारा वाणी में संग्रहित है, इसलिए हमें प्राणों से प्रिय है, लेकिन हम उसको चेतन नहीं कर सकते। भाव में हम कुछ भी कहें, आप भाव में आप कहते थे हैं राजी महाराज राजी महाराज, राज्य तो नुर्मय स्वरूप वाले हैं, वाणी राज्य का ज्ञानमय स्वरूप है। हम पूजा करते हैं क्योंकि श्री जी के सिंहासन पर वाणी को पधराया गया है, इसलिए वाणी का हम सम्मान करते हैं, उनका ज्ञानमय स्वरूप मानकर आरती उतारते हैं, क्योंकि श्री जी हम मानते हैं कि वाणी श्री जी के सिंहासन पर विराजमान है। जैसे भरत राम की खड़ाऊ लाकर सिंहासन पर रख देते हैं, स्वयं नहीं बैठते हैं, खड़ाऊ आदेश तो नहीं देगा, खड़ाऊ कोई निर्णय तो नहीं ले सकता, वो प्रतीक है कि राम की खड़ाऊ को चरण पादुका को मैंने सिंहासन पर रख दिया है, मैं स्वयं नहीं बैठूंगा। उसी तरह से श्री जी ने जब अपनी बाह्य लीला छिपा दी तो सुंदर सात के अंदर प्रेरणा हुई कि हम किसको अपना पथ प्रदर्शक माने। मनुष्य में कभी ना कभी कोई कमी आ सकती है, लालदास जी में भी कमी आ सकती थी, श्री जी के अंतर्धान के पश्चात मुकुंददास जी और छत्रसाल जी में भी मनमुटाव हो गया, कुछ सालों के बाद लालदास जी ने भी तन छोड़ दिया, तो आखिर बनाया किसको जाता। दो विकल्प हैं, या तो उस समय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जाता, प्रत्येक परिवार को उसमें पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया जाता, बहुत बड़ा ध्यान कक्ष बनाया जाता, सबको चितवनी में डुबोया जाता, तो आज तक हमारे समाज में परमहंसों की बहुत बड़ी श्रृंखला रहती। ऐसे परमहंस ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं, जीव सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि भले ही न बनाया जाता लेकिन ब्रह्म सृष्टि के रास्ते पर तो चलना सिखा दिया जाता, तो हमारे समाज का मार्गदर्शन सही दिशा में चल रहा होता। जो परमात्माएं हुई उन्होंने प्रियतम की प्रेरणा से अपने को उस मार्ग पर चलने का प्रयास किया। आप देखिए सिख पंथ में नौ गुरुओं की वाणी को जिल्द बांधकर सिंहासन पर पधरा दिया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि मेरे चारों पुत्र तो अब धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए हैं, मैं भी अब शरीर छोड़ने जा रहा हूं, तो ये गुरु पद के लिए झगड़ा हो जाएगा, किसको बनाया जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि ग्रंथ को ही गुरु माना जाएगा, क्योंकि ग्रंथ पढ़ेंगे उनका मार्गदर्शन होता रहेगा। अब क्या होता है, अति सर्वत्र वर्जित, गुरु ग्रंथ साहब को साक्षात चेतन की तरह मानकर सिख पंथ पूजा करता है। जब वाणी को ले जाया जाएगा तो चमर हिलाए जाएंगे, जमीन को झाड़ा जाएगा, साफ किया जाएगा। जो पुराने ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को लाना था इंग्लैंड से, पूरा चार्टर्ड प्लेन ही सिखों ने बुक करा लिया पुराने ग्रंथ साहब को लाने के लिए, भारत लाए गए। हम स्वरूप साहब की उतनी गरिमा नहीं कर सकते हैं, ये ठीक है कि हमारा समाज भी उन्हीं की तरह ब्रह्मवाणी को राज्य का स्वरूप मानता है, आरती भोग करता है, ये कुछ हद तक ठीक है। यदि ये नहीं होता तो समाज में महंतों को ही राज्य मानकर गादीपतियों को ही सब कुछ किया जाता, और अभी भी चल रहा है। वाणी को सिंहासन पर पधराने के बाद भी अधिकतर हमारे समाज की विशिष्ट जो मूर्तियाँ हैं, महानुभाव हैं, उनको राज्य माना जाता है, उनको लुके छुपे भोग लगाया जाता है, कहीं कहीं आरती भी उतारी जाती है, आरती तो सार्वजनिक है लेकिन उनको राज्य का ही स्वरूप माना जाता है। यदि जिनको हम राज्य मानते हैं या समाजी मानते हैं, 2 बजे भोजन करते हैं तो राज्य का भोग भी 2 बजे लगाया जाता है कि राज्य को गर्म गर्म ही चाहिए, 12 बजे भोग नहीं लगता। हमारा समाज ज़्यादा भावुक हो जाता है, या तो वाणी को साक्षात चेतन यदि चेतन की भावना से माने। एक बात देखिए, शेरपुर में
एक पुजारी ने छिप करके राजी का भोग खा लिया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। महाराज जी ने उसको डांटा कि अरे भाई तुमने क्या समझा था, तुमने सोचा कि राजी थोड़े देख रहे हैं, परमहंस के मुख से जो कुछ निकलता है वो तो सत्य होता ही है। हमारी भावना किसी तरह से राज्य पर केंद्रित हो, यदि आप वाणी को राज्य का ज्ञानमय स्वरूप ज्ञान दृश्य मानते हैं, आप भाव विह्वल हो गए कि वाणी में ही राज्य हैं, तो आपकी भावना के कारण प्रेम जब आएगा तो राज्य कहीं भी आपको दर्शन दे सकते हैं और स्वरूप साहब की पूजा से भी आपको चमत्कारिक अनुभव हो सकते हैं। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो आप वाणी को चेतन सिद्ध नहीं कर सकते। जब आप अपनी वाणी को चेतन सिद्ध करेंगे तो भागवत वाले भी कहेंगे कि भागवत चेतन है, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले कहेंगे कि गुरु ग्रंथ साहब चेतन है, और दर्शन शास्त्र के सूत्रों से आप कभी चेतन सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि कागज है, स्याही है, मूर्ति भी जड़ है, वाणी भी जड़ है, लेकिन वाणी पूज्य है, मूर्ति पूज्य नहीं है, क्योंकि वाणी के ज्ञान को किसी मनुष्य ने नहीं कही, राज्य ने कहा है। मूर्ति को तो किसी कलाकार ने बनाया है, वो उसमें उसकी कारीगरी दिखती है, इसलिए मूर्ति की तुलना वाणी से हम नहीं कर सकते। हाँ, वाणी जैसे ये सिकर जी ने पाती भेजी गोपियों के लिए, और गोपियों ने उद्धव के हाथ से ले लेकर टुकड़े टुकड़े कर दिए कि मेरे मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है, एक टुकड़े को पाकर ही खुश हैं। इसमें तो अक्षरातीत के कहे हुए शब्द हैं 18,758 चौपाइयों में। वेद के अनुयायी वेद का सम्मान करते हैं, वेद के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे देंगे वेद की रक्षा के लिए, लेकिन हमारी तरह वेद को किसी मंदिर में पधरा कर केवल पूजा पाठ में नहीं लगे रहते हैं। हमारे समाज में अति हो गई वाणी को पढ़ना नहीं, क्योंकि राज्य को भोग नहीं लगाओगे, कहीं बाहर चले जाओगे तो राज्य भूखों रहेंगे, इसलिए घर में वाणी न पधराओ, ये नियम बना दिया गया। एक बार आज से 25-30 साल पहले, अभी भी कुछ साल पहले की परंपरा रही है कि वाणी पधराने पर पूरे गांव को खिलाना पड़ता था, एक शादी विवाह का खर्च हो जाता था, डर के मारे लोग वाणी पधराते नहीं थे, अति है ये। वाणी को साक्षात राज्य मानकर, नूरी चेतन राज्य मानकर घर में इसलिए नहीं पधराना कि हम बाहर चले जाएंगे तो राज्य को भोग कौन लगाएगा, ये निष्ठा तो ठीक है कि हमारी मानसिक सेवा हमेशा होती रहे। आपको क्या करना है, आप वाणी पधरा लीजिए, घर में कोई नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप भाव में डूब जाइए, कहीं दूर भी हों तो भाव से समझ लीजिए कि राज्य को मेरी आत्मा भोग लगा रही है, ये भाव में ही साधना है। जरूरी नहीं कि आप आरती करें, आप कहीं भी कमरे में बैठे हैं भाव में डूबकर आप आरती कर सकते हैं। मानसिक पूजा क्या होती है, मन में भावों में डूबकर उसी भाव से आप सारी सेवा पूजा कर सकते हैं। आपको आरती जलाने की, दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है, भोग ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी, जैसे मान लीजिए कि आप गुजरात से आए हैं, राजकोट से आए हैं, सोचे कि भोग का समय है, आपके हाथ में केला है, आप भाव में डूबकर यहीं से बैठे बैठे राज्य को खिला दीजिए, तो ये नहीं हुआ कि राज्य को आपने भोग नहीं लगाया। लेकिन आप केवल कर्मकांड के रूप में कि नहीं, एक आदमी को रखेंगे सेवा पूजा करेंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रेम की दृष्टि से ये उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा का हृदय ही धनी का धाम है, और कहीं कहीं भी संसार में रहिए आप मानसिक रूप से राज्य को अपने हृदय में मानिए, मूल मिलावे में मानिए, गुमट जी के अंदर महामति जी के धाम हृदय में मानिए, वाणी का ज्ञानमय स्वरूप राज्य की तरह पूज्य है क्योंकि उनके सिंहासन पर विराजमान है। जैसे जब राम के सिंहासन पर भरत ने उनकी खड़ाऊँ रख दी और भरत के सामने उस खड़ाऊँ को कोई तोड़े तो भरत क्या करते, यही मानते हैं कि मेरे आराध्य की खड़ाऊँ को तोड़ने वाला उनको तोड़ रहा है। वैसे ही श्री जी का ज्ञानमय स्वरूप है, इस दृष्टि से आप वाणी का सम्मान कीजिए, वाणी का पूजन कीजिए,
राज्य का अंग मानिए, तभी भाव में कहा गया कि आरती अंग चतुर्दश करी पांचों स्वरूप में एक भैरी। लेकिन आप दूसरों के सामने जाकर कहेंगे कि हमारे साक्षात राज्य हैं, तो दूसरे पंथ का विद्वान जो जिसने दर्शन पढ़ा है, वेद पढ़ा है, आपकी बात को कभी भी मानेगा नहीं। तब तो गीता भी चेतन है, भागवत रामायण सारे ग्रंथ चेतन हो जाएंगे। चेतन उसको कहते हैं जो सांस ले और सांस छोड़े, प्राण अपान, सांस ले सांस छोड़े, निमेश उमेश, जिसकी आंखों की पलकें झुकती हो और बंद होती हो, जीवन हो, मन हो, स्वयं अपने आप चले, इंद्रिय अंतर्विकारा, इंद्रियों में उसकी इच्छा हो, सुख दुख का अनुभव करे, इच्छा हो, द्वेष हो, प्रयत्न हो, किसी कार्य के लिए प्रयास करे। अब हम यहाँ रख देंगे वाणी को, तो वाणी स्वतः नहीं बोलेगी, ये नहीं कहेगी कि धूप आ रही है मुझको बाहर ले चलो, ये नहीं कहेगा कि अभी मेरे लिए भोग लगाओ। इसलिए दर्शन शास्त्र ये नहीं कहता कि इसमें चेतन के लक्षण हैं। जड़ तो जड़ ही है, लेकिन जड़ पूज्य भी होता है, प्राणों से पूज्य होता है। जैसे हम राष्ट्र ध्वज की रक्षा करते हैं, या राम की खड़ाऊँ भरत के लिए राम की तरह थे, उसी तरह से सिंहासन पर जो वाणी विराजमान की गई है, राज्य के ज्ञानमय स्वरूप है, और राज्य का स्वरूप ज्ञानमय स्वरूप मानकर हमें वैसे ही भाव से सम्मान करना चाहिए।